हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है वो यूएसबी पेन ड्राइव पे होने वाली है। ये प्रॉब्लम कभी कभी आप देख सकते हैं अपने सिस्टम पे। आप पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं अपने लैपटॉप पे या पीसी पे, तो हमारी जो पेन ड्राइव होती है हमें यहाँ पे शो नहीं होती है। तो इस केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ आपने कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, मैं यहाँ पर अपनी पेन ड्राइव इंसर्ट कर रही हूँ, तो देख सकते हैं मेरी पेन ड्राइव यहाँ पे मुझे शो हो रही है। तो आपके केस में आप पेन ड्राइव इंसर्ट तो करेंगे बट आपको यहाँ पे ये शो नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दिस पीसी पे जाना होगा, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको मैनेज दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। मैनेज के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो इसके बाद आपने यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो ये जो है मेरी फर्स्ट हार्ड ड्राइव है एंड ये मेरी सेकंड हार्ड ड्राइव है जो कि पेन ड्राइव है मेरी। देख सकते हैं यहाँ पे तो मेरी पेन ड्राइव शो हो रही है बट हमारी जो पेन ड्राइव है वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पेन ड्राइव शो हो रही है। तो फर्स्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा चेंज ड्राइव लेटर, तो आपने यहाँ पर इसको क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे आपने ऐड के ऑप्शन पे जाना है, इसके बाद आप यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं। मेरे इसमें ये क्लिक नहीं हो रहा है, तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है असाइन पे। यहाँ से आप अपने ड्राइव के लिए लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद आपने इसको ओके करना है। इसके बाद आपकी जो पेन ड्राइव होगी वो आपको यहाँ पर शो करेगी, देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इससे हमारी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो गई है। इन केस आपके केस में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के लिए आपने वापस वहीं पे जाना है, इसके बाद आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर दिखाई देगा, तो आपने उसको डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है, डायरेक्टली यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ यूएसबी पोर्ट ड्राइवर्स दिखाई देंगे, तो आपने चेक करना है यहाँ पे कोई येलो मार्क वाला ड्राइवर तो नहीं है। तो अगर यहाँ पे आपको कोई येलो मार्क वाला ड्राइवर दिखाई देता है तो आपने उस पर क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर पे जाना है। इसके बाद आपने ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा लेट मी पिक वाला ऑप्शन, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। आपने यहाँ पर यूएसबी ड्राइवर को सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे जो आपका ड्राइवर है वो अपडेट हो रहा है, तो आपको वेट करना है। यहाँ पे हमारा जो ड्राइवर है वो अपडेट हो चुका है। इस तरीके से आपको जो भी येलो मार्क वाले ड्राइवर यहाँ पे दिखाई देंगे तो आपने उन सभी को आपने एक बार अपडेट कर लेना है। इन केस इसके बाद भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं होती है तो सिंपली आपने जो येलो मार्क वाला आपको यहाँ पे ड्राइवर दिखाई देगा उस पर आपने राइट क्लिक करना है, अनइंस्टॉल डिवाइस, तो आपने इसको अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है और यहाँ से उसको अनइंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपने अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना है, उससे आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये मैंने आपको दो मेथड बताए हैं यूएसबी पेन ड्राइव के लिए, तो यूज़ करके देखिएगा आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।